एक था टॉम, छोटा सा बालक लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर। वह अपनी बूढ़ी मौसी पॉली के साथ रहता था। पॉली मौसी कभी कभी उसकी शरारतों से तंग आ जाती थी, लेकिन उसकी शरारत देखकर उनके होठों पर मुस्कान भी आ जाती थी। एक दिन टॉम की शरारतों से पॉली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। उसकी शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी। उसे घर की बड़ी सी दीवार पर पुताई सफेदी करने का काम सौंप दिया। शनिवार का दिन था। हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए दीवार की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन कितना अच्छा है, क्या मैं बस सारे दिन पुताई करते हुए ही इसे बिताऊंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने के लिए वहां से निकला। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो पानी मैं ला देता हूँ। वह टॉम के कहने पर पुताई के काम में लग गया। तभी सामने से मौसी आती दिखाई दी। उन्हें आता देख जिम हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा। टॉम फिर उदास भाव से पुताई के काम में लग गया। कुछ देर बाद बेन रोगर्स सेब खाते हुए स्टीमर चलने की नकल करते हुए उछलता कूदता वहां आया। उस समय टॉम बड़ी सी दीवार की पुताई करके एकदम कलाकार की तरह उसे देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना ही पड़ रहा है। टॉम ने हंसकर कहा, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे, यह रोज रोज पुताई करने का मौका किसे मिलता है? मैं तो इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊं। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया। बेन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाता। उसने विनती करते हुए टॉम से कहा, टॉम, जरा मुझे भी तो पुताई करने दो ना। अब टॉम नखरे करने लगा। बोला, बेन क्या कहूं, पॉली मौसी नहीं मानती। यहां जिम भी पुताई करना चाहता था और सिड भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पॉली मौसी मुझे डांटेंगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो, बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और हाँ, बदले में तुम्हें अपना सेब भी दूंगा। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया। बेन ने खुशी से उसकी जगह पुताई करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी ना किसी तरह चतुर टॉम की चतुराई भरी बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश हाथ में लेकर पुताई करने लगता। टॉम आराम से एक ओर बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो दीवार सुंदर लगेगी। लड़के सोचते, कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसीलिए वे टॉम के एक एक आदेश का पूरी तरह से पालन करते। इतना ही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति पाते, वे अच्छी चीजें टॉम को देकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। अब वह खुद को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति समझ रहा था। कुछ ही देर में दीवारों पर तीन तीन बार पुताई भी हो गई और दीवारें जगमगाने लगीं। अब टॉम की खुशी का ठिकाना न था। वह दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और बोला, अब मैं खेलने जाऊं मौसी। अरे अभी से, पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा बताओ तो, अब तक तुमने कितनी पुताई की है?
टॉम विजय गर्व से भर कर बोला, पूरी दीवारों की पुताई हो गई मौसी। क्यों झूठ बोलता है टॉम? मौसी ने गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ। सचमुच पूरी चार दीवारी पुत गई है। जब पॉली मौसी उसे देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य और खुशी से खुली की खुली रह गई। सचमुच दीवारें बहुत ही सुंदर ढंग से रंग चुकी थीं। पॉली मौसी की आंखों में टॉम के लिए ममता उमड़ पड़ी। वे बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी खत्म कर दिया और इतनी सफाई से। कुछ देर बाद मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ दोस्तों के साथ खेलो। मौसी ने टॉम को एक सेब दिया और प्यार से पीठ थपथपाई। मजे से सेब खाते हुए टॉम घर से खेलने के लिए चला। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है।